ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਂ ਜੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਆਉ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ सर आप बोल रहे हैं कि जो 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं उनको 1500 रुपए हर माह देंगे। सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि ये व्यवहारिक नहीं है, तो किस तरह से आप ये व्यवस्था जो है वो करेंगे? नहीं देखिए, चुनावी वायदा हमने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है, और इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो हैं उन सब का मूल्यांकन करने के बाद ही ये घोषणा की गई है। अगर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 1500 रुपया हम महिलाओं को देंगे तो ये हमारा वायदा है, तो इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री विचलित क्यों हो रहे हैं? हम जो कह रहे हैं उसका पूरा करना हमारा काम है, प्रदेश की जनता को हमारे पे विश्वास करना है। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने अपने समय में इवेंट मैनेजमेंट किए, सबसे ज़्यादा फजूल खर्ची इस सरकार ने की। इस सरकार के समय में आप लगातार देख रहे हैं कि किस ढंग से इन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, करोड़ों करोड़ों रुपया जो है उन कार्यक्रमों पे खर्चे किए, और आज भी वो जो है सिलसिला लगातार जारी है। हम फजूल खर्ची में कटौती करेंगे, इनकी तरह चार चार हेलीकॉप्टर नहीं खरीदेंगे, पटरे पे नहीं लिए जाएंगे, और इनकी तरह जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी, इनकी तरह जो है नवाबों की तरह जो है खर्चे नहीं किए जाएंगे। आलीशान गाड़ियां इन्होंने जो है सैकड़ों सैकड़ों जो है प्रदेश में इस दौरान खरीदी हैं। ऐसा तो किसी भी मुख्यमंत्री ने अब तक जब से हिमाचल बना है किसी भी मुख्यमंत्री ने प्रदेश के खजाने को इस तरह नहीं रौंदा होगा। डॉक्टर परमार से लेके आज दिन तक जितने मुख्यमंत्री रहे, सरकार में किफायत का प्रोग्राम चलता था, सरकार में खर्चों में कटौती के प्रोग्राम चलते थे, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री आए जिन्होंने इस बारे में एक बार भी नहीं सोचा और इतने भारी भरकम खर्चे किए। ये तो जब सरकार जाएगी और जब जनता के दरबार में रखा जाएगा कि ये करते क्या रहे, ये लूटते कैसे रहे, ये आम जनता की गाड़ी कमाई को किस ढंग से जो है इन्होंने इस्तेमाल किया, ये सारा तो कच्चा चिट्ठा इनका प्रदेश की जनता के दरबार में रखा जाएगा। इन्होंने मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने आजकल कार्यक्रम चला रखा है अमृत महोत्सव के नाम पे। ये अमृत महोत्सव जो है अमृत महोत्सव नहीं है, ये राजनीतिक रैलियां हैं, ये राजनीतिक रैलियां हैं, और प्रदेश की अफसरशाही इनको कैसे मदद कर रही है और कैसे ये चलाया जा रहा है। एक एक रैली पे 50-50, 60-60 लाख रुपया खर्चा किया जा रहा है, करोड़ों रुपया जो है इन रैलियों पे लुटाया जा रहा है। ये चुनावी रैलियां हैं, ये अमृत महोत्सव होता तो उसमें सब दलों को बुलाया जाता, अंदर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, मौसम साफ है या नहीं है, मौसम चाहे धूप खिली हुई है, और वहां पे 18-18, 20-20 लाख के वाटर प्रूफ टेंट लगाए जा रहे हैं। क्या इन कार्यक्रमों में जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए के हो रहे हैं, तो क्या भ्रष्टाचार की भी जुआ है? नहीं देखिए, टेंट भी बाहर के चंडीगढ़ या बाहर की फर्मों ने लगाए हैं, कोई हिमाचली नहीं मिला इनको टेंट लगाने के लिए भी। एक एक टेंट जो है जो लग रहा है 18-18, 20-20 लाख रुपए का लग रहा है, उसमें भी कोई हिमाचली नहीं है। लेकिन आप जो है टेंट भी वाटर प्रूफ लगा रहे हैं, आज खिला हुआ मौसम है, लेकिन जहां मुख्यमंत्री जी की रैली हो रही होगी वहां वाटरप्रूफ टेंट लगा होगा। फिर उसके बाद जो है एचआरटीसी जो कि अरबों के घाटे में है, ऐसे एचआरटीसी का जो है मलिया मेट किसी सरकार ने नहीं किया होगा। 100-100 बसें लगाई जा रही हैं, 100-100 बसें लगा के और सारे रूट रद्द किए जा रहे हैं। और उसके बाद ये प्रदेश में लगभग अब तो ये हो ही गया है कि एचआरटीसी सिर्फ रैलियों के लिए है, अदरवाइज जो है वहां पे जो
सवारियां लेके जा रहे हैं, जो रैलियों में लोग लेके जा रहे हैं वो भी सरकारी, मनरेगा की लेबर वहाँ पे पहुँचाई जा रही है, वहाँ पे जो है आंगनवाड़ी वर्कर पहुँचाए जा रहे हैं, वहाँ आशा वर्कर पहुँचाए जा रहे हैं, वहाँ पटवारी पहुँचाए जा रहे हैं, वहाँ कानगो पहुँचाए जा रहे हैं, वहाँ सब ऐसे किस्म के लोग पहुँचाए जा रहे हैं जिससे या फिर लाभार्थी पहुँचाए जा रहे हैं। और इन लाभार्थियों को ले जाने के लिए आप देखो ड्यूटियां कैसे लगी हुई हैं, चार्ट देखो, एक एक लगातार पिछले 5 साल से ऐसे ही रैलियां मैनेज की जा रही हैं। मुख्यमंत्री को जहाँ जाना है वहाँ ऐसे ही रैलियां लगेंगी, वहाँ पटवारी किस ढंग से लेके जाएंगे, पंचायत सेक्रेटरी जो है जनता को कैसे लेके जाएंगे, परौंठे कौन लोग खिलाएगा, रोटी कौन लोग खिलाएगा, लंगर लगाए जा रहे हैं, सरकारी खर्चे पे लंगर लगते हैं, कभी सरकारी खर्चे पे फूल डाले जाते हैं नेताओं को, सरकारी खर्चे पे कभी जो है इस तरीके से मंच सजाए जाते हैं, ये आपके सामने है। LED लगाई जा रही हैं, पूरे प्रदेश में लगाई जा रही हैं, ये खर्चे जो है ये आम आम जनता के गाड़े पसीने की कमाई को जो है जिस ढंग से लूटा जा रहा है, और सारा खर्चा सरकारी, और अंदर झंडे भाजपा के हैं, अंदर जो है अपने नारेबाजी करवा रहे हैं, ये लूट है, सरकारी खजाने की भारी भरकम लूट है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये इससे पहले जनमंच सजाया करते थे, जनमंच में भी यही था, धाम जो है वर्करों के लिए वो जो है सरकारी खाते से, सरकारी खजाने से। धर्मशाला में रैली हुई, 18 करोड़ रुपए का टेंट लगा दिया। आप देखें कि किस तरीके से जो है यहाँ इवेंट मैनेजमेंट हुई, ये सरकार थोड़ी है, ये कोई कल्याणकारी सरकार थोड़ी है, ये तो इवेंट मैनेजर्स हैं जो पिछले 5 साल से लगे हुए हैं। एक बार नहीं सोचा इन्होंने कि यार हिमाचल प्रदेश कितना दिवालिया पिट गया, कितना कर्जा हो गया, और हम अपने शाही खर्चों में जो है नवाबी खर्चों को जो है हम किस ढंग से कम करें। इसलिए कहते हैं कि जी 1500 रुपया जब जनता को देने की बात आई, महिलाओं को देने की बात आई, तो इनको पसीने छूट रहे हैं। अरे आप रोज बेटी बेटी है अनमोल की बात करते हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी कहती उनको 1500 रुपये मिलेगा, आप कहते कहाँ से मिलेगा। अरे शराब के ठेके नीलाम नहीं किए गए पिछले 4 साल से, है इनके पास कोई जवाब कि क्यों नहीं नीलाम किया आपने? दिल्ली के शराब घोटाले पे तो बहुत चर्चाएं हो रही हैं, जो यहाँ पे हुआ है वो क्या कम हुआ है? यहाँ पे पिछले 4 साल से ठेके नीलाम नहीं हुए, 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा हिमाचल प्रदेश के कोष को। ये पैसा अगर आता तो ये महिलाओं को दिया जाता। यहाँ पे जो है जो अवैध खनन चल रहा है, यहाँ पे रेता माफिया जिसने सारा हिमाचल लूट लिया, पूरे हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के संरक्षण में जो है लूट मची हुई थी, और आप देखें कि रेता बजरी ये माफिया जो है किस ढंग से 8 टन का ट्रक 60 टन में जा रहा है, तो उसके उसकी कोई रॉयल्टी नहीं, खनन पे कोई रॉयल्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, बेरोक टोक जो है इनके वाइस चेयरमैन लगे हुए हैं, इनके चेयरमैन लगे हुए हैं, इनके मंत्री लगे हुए हैं, लूट का एक खुला जो है तांडव हो रहा है। लेकिन कोई DC नहीं जा सकता, कोई SP नहीं जा सकता, अफसर कहते हैं कि हमें मनाई है कि कोई ट्रक नहीं रोकना है, जयराम जी का हुक्मनामा है कि ये जो है इसी ढंग से चलना चाहिए। ये आय के स्रोत थे, रॉयल्टी कहाँ से आनी थी? यहाँ से रॉयल्टी आनी थी, शराब से रॉयल्टी आनी थी, पड़ोसी राज्यों से अपने हकों से रॉयल्टी आनी थी, फजूल खर्ची रोकने से पैसा आना था, इन सब चीज़ों से जब पैसा आना था तो वो लोगों की स्कीमों पर लगना था। तो ये पैसा हम बताएंगे आपको, दिल्ली से कैसे हक लिए जाते हैं, पड़ोसी राज्यों से कैसे हक लिए जाते हैं, फजूल खर्ची कैसे रोकी जाती है, है? ये जब जो तांडव मचा हुआ है, ये तो खुला तांडव है, नंगा नाच है, नंगा नाच है। शराब माफिया क्या कर रहा है, और उसके बाद कबाड़ माफिया क्या कर रहा है? हमारे यहाँ पे अभी जो है 100 टन कबाड़ बेच दिया, 200 टन का जो है IPH का कबाड़ था, और वो औने पौने दाम पे जो है बिना टेंडर किए बेच दिया गया। किसने इनको अधिकार दे दिया? कबाड़ माफिया भी चल रहा है, और उसके बाद शराब माफिया भी चल रहा है, वन माफिया भी चल रहा है, सारे पेड़ काट दिए। लेकिन माफिया का जो तांडव है तबादला माफिया, लूट मची हुई है, लोगों से नौकरी माफिया तो सबसे बड़ा है, नौकरियों में पैसे लिए गए, 6 लाख से 8 लाख पुलिस भर्ती में ले लिए, दूसरी भर्तियों में जो आप देख रहे हैं अखबारों में पढ़ रहे हैं FIR हो गई, 6-6 लाख की नौकरियां बिक रही हैं। नौकरियां बिकने का हिमाचल प्रदेश में पहली दफा मसला आया है। तो ये जो सारी चीजें हुई हैं, ये सिर्फ 1500 रुपए पे रो रहे हैं कि महिलाओं को 1500 रुपए की घोषणा कैसे कर दी गई। क्योंकि जी आप बोल रहे हैं कि ट्रक यूनियन का मसला आपने उठाया, कि ट्रक यूनियन जो है हिमाचल प्रदेश में बहुत प्रभावी है,
आप कह रहे हैं कि उनके लिए हम नीति बनाएंगे विधानसभा में, पूंजीपतियों से हम नहीं डरते, तो ट्रक यूनियन को लेकर कैसे नीति बनाएं? देखिए, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में ट्रक ऑपरेटर्स एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। हजारों की संख्या में ट्रक हैं, हजारों की संख्या में फैक्ट्रियां लगी हैं। हमारा स्पष्ट कहना था कि भाई फैक्ट्रियों वाले फैक्ट्री चलाएं, ट्रक वाले ट्रक चलाएं, उनको काम मिले। अब क्या है, ट्रक यूनियंस का अस्तित्व खत्म करने की बात आ रही है। ठीक है, वो लोग पूंजीपति हैं, पूंजीपतियों ने अदालत में का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सरकार ने ट्रक ऑपरेटरों का कॉज जो है ठीक ढंग से अदालतों में नहीं रखा। अगर अदालतों के समक्ष सही दृष्टिकोण सरकार रखती और अपने लोग अपने जो है वकीलों के माध्यम से जो है अदालतों को बताया जाता कि इन क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या दिखते हैं, वो किया नहीं, और आज जो है जो खतरा ऑपरेटर्स पे आ गया। देखो, मैं आपको बताऊं कि हिमाचल एक में जो ट्रक वाले हैं, ये कोई पोचा मारता हुआ मालिक बना, कोई क्लीनर से मालिक बना, कोई ड्राइवर से मालिक बना, कईयों ने गाड़ियां जो है लोन पे ले रखी हैं, और ये एक उनका स्वप्न था कि मैंने गाड़ी डाल ली है। अब बैंक वाले जो है गाड़ियां पकड़ के लेके जा रहे हैं, किस्त निकल नहीं रही है। मैं जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में फैक्ट्रियों में गाड़ियां किसने डलवाई, गाड़ियां किसने डलवा दी, कौन लोग दोषी हैं इसके कि सारे फैक्ट्रियों वालों ने ट्रक डाल लिए। अब उनका इंटरेस्ट शुरू हो गया, यूनियन जो है उनको काम नहीं मिल रहा है, और उसके बाद बाहर से ट्रक आने शुरू हो गए। अब हिमाचल प्रदेश में जब हजारों ट्रक हैं, बाहर से ट्रक आने शुरू हो गए, तो क्लैश हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। ये जो मसला था, ये सरकार को ट्रक ऑपरेटर्स का पक्ष रखना चाहिए था। हम सरकार बदलेगी, 60 दिन की बात है, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ। माननीय अदालतों के समक्ष हम रिव्यू पिटीशंस डालेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हम अपना पक्ष जो है प्रभावशाली तरीके से ऑपरेटर्स का पक्ष जो है रखेंगे, और दूसरा जरूरत पड़ेगी तो हम जो है वैधानिक तरीका भी अपनाएंगे, हम विधानसभा में कानून बनाएंगे, कानून बना के हम मदद करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी ट्रक वाले को उजड़ने नहीं देंगे, हम बिकने नहीं देंगे। और मैं ये भी कह देता हूँ, अगर कोई कह रहा था मुझे कि अदालतों का ये फैसला है, मुकेश अग्निहोत्री जेल जाने के लिए तैयार है। हजारों हजारों ऑपरेटर्स को मैं ऐसा उजड़ता नहीं देख सकता हिमाचल प्रदेश में। ये हमारे ट्रक वाले हैं, इन्होंने पैसा जो है लगा के जो है ये गाड़ियां खरीदी हैं, कहाँ जाएंगी ये गाड़ियां? अगर पड़ोसी राज्यों से गाड़ियां आएंगी, अगर बाहर से गाड़ियां आएंगी, और यहां का ऑपरेटर कहाँ जाएगा? ये बड़े सामान्य लोग हैं, गरीब लोग हैं, और आज दिन तक कोई बहुत बड़े झगड़े नहीं यहाँ पे हुए हैं, ना कोई फसाद हुए हैं। बहुत अच्छा ऑपरेटर्स का ठीक है, भाड़े के इश्यूज जो है सेटल हो सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है इनके ट्रक बिक जाए। आज महंगाई क्या हो गई है, आज गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, ट्रक की रजिस्ट्रेशन कितने की हो रही है, आज लाइसेंस कितने का बढ़ रहा है, आज रिपेयर की कॉस्ट क्या हो गई है, आज ट्रक के टायरों की जोड़ी 50,000 रुपये की मिल रही है, एक जोड़ी 50,000 रुपये की ट्रक के टायरों की है, और रास्ते चलते जो है खर्चे कितने हैं, वो सारे अगर आप देखें तो ट्रक वालों का तो मैं देखता हूँ, मुझे बहुत डेपुटेशंस मिल रहे हैं, बहुत लोग मुझे आके मिल रहे हैं। 60 दिन के बाद मैं बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहता हूँ ऑपरेटर्स को, उजड़ने नहीं दिया जाएगा आपको। और दूसरा, जो ट्रकों वालों के जो टैक्सीज का मसला है, जो उनके इंटरेस्ट का मसला है, और अगर बहुत ही बात अगर बात निकली है दूर तक जाएगी, ये जितना भी उनका इंटरेस्ट है या उनके जो है टैक्सीज का मसला है, तो ठीक है, अब ऑनलाइन हो गया, आगे से तो सब लोग ठीक टैक्स जमा करा देंगे। पिछला जमा कराने की स्थिति में नहीं है लोग, उनके ट्रक उजड़ जाएंगे, उनके ट्रक बिक जाएंगे, यूनियंस ले जाएगी उठा के, बैंक उठा के ले जाएंगे, तो हम ये सारे का सारा पैसा इनका जो है माफ करेंगे, मुकेश जी सारा पैसा माफ करेंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र में ड्रग पार्क को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, भाजपा का कहना है कि आप स्वागत करने की बजाय विरोध कर रहे हैं उसका। अरे 60वें महीने में भी कोई पार्क बनते हैं,
59 महीने तो रेत पार के बढ़ा के रखा है हरोली को, सारे में जो है रेत की जो है वो नजर आ रहे थे, सारी दुनिया ने देखा। और 60वां महीना इलेक्शन का महीना जब शुरू हो गया तो कहते पार्क बनाएंगे, एक महीने में टॉयलेट नहीं बनता, एक महीने में टॉयलेट नहीं बनता, ये क्या बनाएंगे। ड्रग पार्क लाने का उस वक्त किसी को मालूम भी नहीं था कि ड्रग पार्क क्या होता है, जब मुकेश अग्निहोत्री ने इसकी घोषणा करवाई थी केंद्रीय मंत्री से, किसी को कानो कान भी खबर नहीं थी कि कोई ड्रग पार्क नाम की कोई चीज भी है जो आज उछलते फिर रहे हैं। आज उनको मैं बता देना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि 2020 में ये पार्क मंजूर हुआ, अगर 2020 में हुआ तो 2022 में तो बन के तैयार हो जाता। ऐसे पार्क हमने फूड पार्क बनाया था, बाथू में बनाया, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनाया, हमने तो कोई शोर नहीं मचाया। आज चल रहा है, हजारों ट्रक टमाटर के वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे प्यूरी भी बन रही है और सॉसेजेस भी बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है। लेकिन इन्होंने जिन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम महीना शुरू हो गया तो आ गया कि जी हम पार्क बनाएंगे, आप एक महीने में पार्क बना देंगे। ये जो है नौटंकियां ज्यादा चलने वाली नहीं है। और ये जयराम बनाएंगे जिनसे अपनी जो है हवाई पट्टी नहीं बनी, 60 महीने में जिनसे अपनी हवाई पट्टी नहीं बनी, जो ये जिन्होंने ये वायदे किए थे कि हम हवाई पट्टी बनाएंगे और वहां पे जो है अभी शिलान्यास तक नहीं हो सका, अपना जो घर का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं बना सका मुख्यमंत्री, वो जो है आज दिन तक वहां जमीन की अधिग्रहण तक नहीं हो सकी, उसका बजट नहीं हो सका, केंद्र से मंजूरियां नहीं हो सकी। और अब कह रहे हैं कि मुकेश अग्निहोत्री को नहीं पता कि हवाई पट्टियां बनाने में बड़े सालों साल लग सकते हैं। अरे एक सरकार को 5 साल का समय मिलता है काम करने के लिए, उसी 5 साल में बनाना पड़ता है। हमने हिमाचल का सबसे लंबा पुल बनाया, आपके सामने समयबद्ध तरीके से बना के तैयार किया, काम तो शुरू हो जाता। आप 60वां महीना शुरू हो रहा, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के लिए जो है एक महीना नहीं, रात पर 20 दिन नहीं रहे, और जब आहट आ रही है तो आनन फानन एक चिट्ठी प्रक्योर करके, चिट्ठी पढ़ी आपने क्या लिखा है कि सैद्धांतिक मंजूरी दी जा रही है, 90 दिन में DPR बनाओ, 60 दिन में चुनाव हो जाने, 60 दिन में चुनाव हो जाने, वो कह रहे कि 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अरे कौन सा 20,000 और कौन सा 50,000 करोड़ का निवेश, इनको अभी तक यही नहीं पता ये ड्रग पार्क की कीमत क्या है। एक कह रहा है 1,000 करोड़ है और चेला बोल रहा है 50,000 करोड़ है। गुरु बोल रहा है कि हम हजारों नौकरियां देंगे, चेला बोल रहा है 40,000 नौकरियां देंगे, 80,000 की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। ऐसे इस तरीके से जो है इतने इतने मूर्ख भी नहीं है दुनिया वाले, सारा स्पष्ट आ जाएगा। साफ बात है कि दिन 60 रह गए, दिन रह गए थोड़े, जाने की तैयारी करो। ये पार्क पूर्क हमने सब बना लेने हैं, ड्रग पार्क भी बनेंगे, आपके सामने बनेंगे। हम ये जो काम हमें करना है वो हम खुद कर लेंगे, आपको अब जाना है, जाने की तैयारी करो। जी आपकी गारंटीज जो हैं, जैसे 10 गारंटी सरकार ने पार्टी ने दी, उनको लेकर के बड़ा सवाल है, सरकार की ओर से भी है। आप कह रहे हैं कि 300 यूनिट हम बिजली के फ्री देंगे, वो कहते हैं हम 125 दे रहे हैं, आप नहीं दे सकते, सिर्फ वोटों के लिए आप गारंटियां देंगे। देखिए ऐसा है, जब 125 यूनिट की भी घोषणा हुई उससे पहले हमने मांग की थी, हमने कहा था हिमाचल ऊर्जा राज्य है और हिमाचल के लोगों को बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए, तब इन्होंने 125 यूनिट की अनाउंसमेंट की और हम कह रहे हैं 300 यूनिट देंगे, ये हमारा वायदा है। 12,000 मेगावाट जो है हम पैदा कर रहे हैं, 22,000 मेगावाट की हमारी क्षमता है, 12% मुफ्त बिजली हमें मिलती है। और पहले तो अपफ्रंट प्रीमियम वगैरह भी आते थे, अब तो वैसा नहीं है, दौर बदल गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज आप जब फैक्ट्रियां लगाने वालों को तो बोलते हैं कि आपको हम जो है सस्ती बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, आप हिमाचल आओ, हिमाचली जो जहां पे ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनको आप कह रहे हैं कि आपको बिजली नहीं देंगे। हमने कह दिया कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे, हम कैसे देंगे, बिजली बोर्ड को किस ढंग से फंड करना है, कैसे हमें जो है खर्चों में कटौती करनी है, ये सारी बातें जो है ये हमें देखनी है। हमने कह दिया 300 यूनिट बिजली मुफ्त में, पहले कहते थे मुकेश अग्निहोत्री ने घोषणा कर दी 300 यूनिट बिजली की, अब पता लग गया कि कांग्रेस हाईकमान ने भी कर दी, फिर कहते थे मुकेश अग्निहोत्री ने घोषणा कर दी 1500 रुपया महिलाओं को मिलेगा, कैसे कर दी, अपनी हाईकमांड को भी नहीं पूछ रहा है, तो पता लग गया कि हाईकमांड भी आके वही बात बोल गए हैं। ये जो बातें, हमने कहा था OPS देंगे, कहते कहां से दे देंगे, पैसा नहीं है।
अरे आपकी तरह थोड़ी, आपने तो कर्मचारियों को पैसा दिया ही नहीं। आज उनके मंत्री कह रहे हैं एक हम ओपीएस देंगे। अरे अगर तुम सोचोगे भी, अब एक महीने में आपने ओपीएस क्या देनी, एक महीने में ओपीएस की नोटिफिकेशन कर सकते हो, अधिसूचना कागजी, अब तो कागजी खेल है, सारी घोषणाओं का दौर है। हम जब हमने कहा है कि हम ओपीएस देंगे तो हमें पता है कि कर्मचारी कितना परेशान है, हमें मालूम है। जब खाली जेब लेके जो है रिटायरमेंट पे जिसने प्रदेश की सेवा की है वो खाली जेब लेके जा रहा है और कहते हैं कि जी ओपीएस कांग्रेस ने बंद की। ओपीएस कांग्रेस ने बंद नहीं की, ओपीएस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बंद की, उनकी सरकार थी 2003 में और उन्होंने राज्य सरकारों को विवश किया कि बंद किया जाए। लेकिन अब जब कर्मचारियों का प्रेशर है, कर्मचारी हर तरफ जो है मांग कर रहे हैं, तो उनको जो है उनका पैसा जमा भी हो रहा है, वो राज्य सरकारों को दिया नहीं जा रहा है। जैसे कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार जो है दिल्ली गई थी, भाई वो पैसा कर्मचारियों का जमा है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे, किसी दरबार में नहीं जाएंगे, लेकिन कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। और जो हमारे जो निगमों बोर्डों के हैं कर्मचारी, हम उनको भी पेंशन देंगे। ये बहुत जरूरी है, कर्मचारियों को पेंशन देना, महिलाओं को 1500 रुपया देना, और तीसरा जो है बिजली के जो हमने बात कही है, ये हमें देना ही देना है। जी आपने हाईकमान की बात की कि हाईकमान ने भी कर दिया है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो अपमान कर रही है हिमाचल का, कि वो कह रहे हैं कि अगर हम जीत गए कांग्रेस की सरकार आई तो हम राहुल गांधी की झोली में डाल देंगे। और दूसरा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की है, उस पर भी मुख्यमंत्री तंज कर रहे हैं। ऐसा है कि हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, हमें ये पता है कि ये सरकार जो है नॉन परफॉर्मर सरकार है। इस सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया है हिमाचल प्रदेश, इनकी आंसर शीट खाली है। ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करते रहे। हम अच्छा ये कहते हैं कि जी सरकार कैसे जीतेगी, अरे भाई अभी हमने 4 सीटें जीती, लोकसभा का चुनाव जीता, 3 विधानसभा जीती, जैसे वो 4 जीती वैसे ये 8 जीतेंगे। किसी हालत में भी जयराम की सरकार हिमाचल प्रदेश में रिपीट नहीं होगी। रिवाज की बात करते हैं, रिवाज नहीं, राज बदलेगा, ताज बदलेगा, और यहाँ पे सरकार कांग्रेस की बनेगी, हर हालत में बनेगी। जयराम जितनी मर्जी सरकारी कोष की धज्जियाँ उड़ा दे, सारी अफसरशाही को जो है लगा के चाहे चुनाव लड़ ले, चाहे जो मर्जी कर ले। और अफसरों को भी मैं कह देना चाहता हूँ, तू भी बदल, फलक की जमाना बदल रहा है। कर्मचारियों को भी मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने लगातार जो कर रहे हैं ये कार्यक्रम कराने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूलों 15 सितंबर से पेपर होने जा रहे हैं, आज जो है एनुअल प्रोग्राम रखने की बातें हो रही हैं, आज स्कूलों में जाके बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं, जबकि 15 सितंबर से तो बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं। कुछ तो शर्म करो कि किस ढंग से ये चल रहा है। तो इसलिए ये जो जितने भी मसले हैं, फजूल खर्ची का रिकॉर्ड टूट गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि जयराम ने हिमाचल प्रदेश के कोष के साथ जो खिलवाड़ किया है आज तक हिमाचल के इतिहास में कोई नहीं कर सका। 85,000 करोड़ रुपए के कर्ज पे ये इनिंग एंड होगी, 85,000 करोड़ के कर्ज पे एंड होगी, और दुनिया को देने की बजाय ऊपर हेलीकॉप्टर नाच रहा है, नीचे नाटियां डाली जा रही है। 5 साल की बस यही रिवायत रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था।